हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपल्स. एंड पाइथागोरियन ट्रिपल्स आर द ट्रिपल्स विच सैटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. और यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर साइड वाली जो साइड है वहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है जिसका जिसकी सारी साइड्स जो है इक्वल है, मतलब ये एक स्केयर बन गया है. ऐसे 4 सेंटीमीटर साइड लेके हमने यहाँ पे भी एक स्केयर बना दिया है. अगर आप इन बॉक्सेस को काउंट करो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे. सिमिलरली इफ यू काउंट दीज बॉक्सेस, ठीक है, इनको काउंट करते हो तो ये आएंगे बच्चे 16, ठीक है. कितने आएंगे? 16 आएंगे. यहाँ पे 16 आ गए और यहाँ पे कितने आ गए? 9, ठीक है. अब बच्चे अगर हम तीसरी साइड को, ये वाले एंड जो है इनको ज्वाइन करने के बाद अगर थर्ड साइड बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, मतलब स्केयर ड्रॉ करेंगे, तो बच्चे इसमें जो बॉक्स आएगा, अगर आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड लाइक दिस, ठीक है, कर दोगे, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा और इसके जो छोटे बॉक्सेस आएंगे वो बच्चे होंगे अराउंड 25, ठीक है. कितने होंगे? 25. इट मीन्स 25 जो है 5 का स्केयर है, ठीक है. सिमिलरली 3 जो 9 है, 9 इज स्केयर ऑफ 3 एंड 16 इज स्केयर ऑफ 4. दैट मीन्स यहाँ पे 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर इक्वल टू 5 स्केयर आ रहा है, ठीक है. मीन्स 9 प्लस 16 दैट बिकम इक्वल टू 25. तो ये होता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम. अब हमारी बारी आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की. सपोज हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना था, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास वैल्यू है 4, ठीक है. हम एक वैल्यू, हमें इवन वैल्यू ये वाली पता है, ठीक है. तो हमने यहाँ से इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है बनाने हैं, ठीक है. एक ही साइड गिवन है, कितनी है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? वी विल डू दी हाफ ऑफ दिस 4, ठीक है. 4 को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना है, मतलब इसका हाफ ले लेना है. दैट विल बिकम 2. अब 2 को क्या करना है? 2 को बच्चे हम करेंगे इसका स्केयर, ठीक है. क्या करेंगे? स्केयर. स्केयर का मतलब आप लोगों को पता है कि स्केयर का मतलब होता है जो भी नंबर है उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है. तो 2 × 2 कितना आ गया? 4, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे 2 × 2 कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इस 4 में 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस करेंगे, ठीक है. अगर आप 1 ऐड करते हो तो बच्चे आपके पास 5 आ गया, और अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपके पास 3 आ गया, ठीक है. तो आपके ट्रिपलेट कौन कौन से बन गए? देखो, 4 एक साइड पता थी, ठीक है. दूसरा आपने 3 बना लिया यहाँ से ही, और तीसरा ट्रिपलेट जो है यहाँ पे क्या है, 5, वो बना लिया, ठीक है. सो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है कौन कौन से आ गए? 3, 4, 5. तो ऐसे आप किसी के भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपको फार्मूला पता हो. तो फार्मूला क्या है? आपके पास कोई m नंबर होगा, ठीक है. तो मान लो 2m नंबर है, ठीक है. इवन नंबर, आपने क्या करना है? उसका हाफ कर देना है. तो m आ गया, m का आप स्केयर करोगे, उसके बाद एक बार और स्केयर कर दोगे, इसमें 1 ऐड कर देना है, इसमें 1 माइनस कर देना है, तो आपके ये फार्मूले बन जाएंगे ट्रिपलेट, ठीक है. ऐसे आप ट्रिपलेट ड्रॉ कर सकते हो. थैंक यू सो मच.